हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कृतिका शानवी क्राफ्ट एंड कुकिंग बाय अर्चना। आज मैं आपके साथ मैंगो की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। आम का खीर का टेस्ट खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ चावल को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसे गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक दूध में एक उबाल ना आ जाए, गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे। दूध में एक उबाल आने ही वाला है, तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो करने के बाद अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, जो चावल मैंने धोकर रखा था। चावल डालने के बाद एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। जब तक खीर पक रहा है, इस बीच में हम आम की प्यूरी बनाकर रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 2 आम लिया है। इसे अच्छी तरह से काट कर इसके पल्प को निकाल लेंगे। इनमें से आधे का पेस्ट बना लेंगे और आधे को ऐसे ही क्यूब्स में रहने देंगे। दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध बीच तली में ना चिपके। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, बट अभी भी चावल और दूध दोनों अलग है, तो इसे थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे में घुल जाए। हमारा चावल और दूध अच्छी तरह से घुल चुका है, तो अब मैं इस टाइम पर चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने मिठास के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने पसंद से, जो भी आपको अच्छी लगती है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं खीर में। नॉर्मली खीर बनाना तो आप सभी को आता ही होगा। बस इसमें हम अब लास्ट में इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं, ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और खीर को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आम की प्यूरी, थोड़ा सा कटा हुआ आम, और इन दोनों को अच्छी तरह से खीर के साथ मिक्स कर लेंगे। सिंपल सी दूध की खीर तो हमने बहुत बार खाई है। एक बार आप इस तरह से मैंगो का खीर बनाकर खाएं, बहुत ही यम्मी लगता है इसका टेस्ट। गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ आम ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद इस खीर का टेस्ट बहुत ही यम्मी आता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।